झुंझुनू की खेतड़ी में शराब के ठेकों पर फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल आए दिन बदमाश शराब के ठेकों पर फायरिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला मानोता रोड से अब सामने आया है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर शराब के ठेके में आग ही लगा दी। इसी के साथ सेल्समैन के साथ में मारपीट कर रुपया लेकर फरार हो गए। इस आग में करीब 15 लाख रुपए की शराब जल गई है। तो वहीं फायरिंग की सूचना पाकर थानाधिकारी किरण सिंह यादव मैजाबते मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पहले सूचना मिली थी कि मानवता ठेका पर फायरिंग करने के बाद ठेके में आग लगा दिया। इस सूचना पर मन थानाधिकारी मैजाबता के मौके पर पहुंचा। मौके पर दमकल को बुलाकर आग को बुझा दिया है। लगभग आधी से ज़्यादा दारू जलकर नष्ट हो गई है। इस संबंध में सेल्समैन से बात की तो सेल्समैन ने कहा कि मोटरसाइकिल पर 4-5 आदमी आए थे और उन्होंने 2 फायर किए और ठेके में आग लगा दी। इसमें हम बैठे थे तो उनने पहले फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद हम दोनों निकाल दिए। उन्हें साले में गोली लगा दी। एक ने मेरे डंडे मारा, एक उसमें चांटे मारे थे और 2-3 फायरिंग करके उसमें उनने फायरिंग करके आग लगा दी। उस कट्टे फट्टे से लगाई दारू फोड़ के। नहीं, वे 5-6 लोग हैं मोटरसाइकिल से आए। पैसे सारे लगे, हमारे मोबाइल भी जल गए। इसमें दोनों के मोबाइल जल गए। पैसे कितने थे? पैसे कम से कम 50-60।